तो हम लोग जो लास्ट क्लास में रिव्यू किए थे, थोड़ा सा समझे थे कि क्विक सॉर्ट क्या होता है. तो इतनी बात समझ में आई थी कि क्विक सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन का इस्तेमाल करके आइटम को सॉर्ट करते हैं, यही बात था ना. और उस पार्टीशन में हम लोग क्या करते थे, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लो ताकि एल्गोरिदम आज लिखना हम लोग को है ना. एल्गोरिदम लिखेंगे कि क्विक सॉर्ट कैसे होना है. तो याद करो कि पार्टीशन एलिमेंट हम लोग किसको सेलेक्ट करते थे. अच्छा, सेवन को, लास्ट वाले सेवन. हाँ अच्छा, एक बात बताओ, पार्टीशन करने के लिए तुम एक फंक्शन बनाओगे, पार्टीशन फंक्शन, इसमें कोई संशय है किसी को? नहीं, नहीं है, चलो ठीक है. अच्छा, पार्टीशन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को देना पड़ेगा? एक तो इनपुट, एक एरे पास करेंगे, है कि नहीं? यस मैम. जैसे ये मान लो कि ये एरे है तुम्हारा ए, एरे का नाम ए मान लिया हमने, तो ए एरे जो है ये हम लोग को पास करना पड़ेगा पार्टीशन में, है ना. तो यहाँ पर मैं लिखूं पार्टीशन, पार्टीशन फंक्शन में लिख रही हूँ अब, है ना, लिखना तो पड़ेगा एल्गोरिदम. तो इस पार्टीशन में हमको पास क्या करना पड़ेगा, एरे जिस एरे में मेरा आइटम रखा हुआ है जिसको सॉर्ट करना है, उस एरे को हमने इस पार्टीशन में क्या किया, रख दिया, रख दिया, पास कर दिया, पास कर दिया, ठीक है. और इसके अलावा और कौन सूचना है जो इसमें पास करना जरूरी है एरे का? नाइन मैम, पहला स्टार्ट इंडेक्स, yes. है कि नहीं? और एरे का जो स्टार्ट इंडेक्स होता है उसको जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से. सब में यही मान के चले हैं तो यही मैं ले ले रही हूँ. और एरे का लास्ट इंडेक्स आर, एरे का एनी इंडेक्स लास्ट इंडेक्स आर. तो जैसे लास्ट और फर्स्ट इंडेक्स क्या है, सपोज ये एरे ए है तो इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, जीरो, वन, पी, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, है ना. तो हम इसमें पास क्या किए, जीरो, और पास क्या किए, सेवन, सेवन, ठीक है ना. अब इसको पास करने के बाद तुम क्या करते थे, सबसे पहले पार्टीशन एलिमेंट को फाइंड करते थे, है ना. अब पार्टीशन एलिमेंट के लिए वो कहाँ रखोगे, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल तुमको लेना पड़ेगा ना. जैसे ये पार्टीशन एलिमेंट तुमने सेवन बनाया, तो इस पार्टीशन एलिमेंट के लिए को रखने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कि नहीं, उसका नाम क्यों ले सकते हम लोग? जी मैम, बिल्कुल ले लिया. क्यों ले लिया? अब क्यों में तुम्हारा जो एलिमेंट है सेवन, पार्टीशन एलिमेंट हमेशा हम लोग क्या मान रहे हैं, एरे का लास्ट एलिमेंट. तो एरे का लास्ट एलिमेंट के लिए ए तो लिखना पड़ेगा, ए एरे का नाम हो गया. अब लास्ट एलिमेंट कौन शो कर रहा है, उसका इंडेक्स क्या है बताओ? सेवन, आर, 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 यस. प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम लोग, देखो इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, आर. अब आर में डिपेंड करता है वो इनपुट पर, इस केस में सेवन होगा, हो सकता है दूसरे पार्टीशन के लिए आर का वैल्यू कुछ और हो जाए, क्या? यस, यस मैम. हाँ, रेस्पॉन्ड करते रहना फिर, ठीक है. तो पार्टीशन एलिमेंट हम लोग क्या किए, सेवन को क्यू में डाल दिया. उसके बाद तुम क्या करते थे, आई क्या बनाया था तुमने, आई. अब जरा देखो आई कहाँ है, आई को इनिशियलाइज तुम इनिशियल वैल्यू क्या डाले हो. देखो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, गौर से देखना, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है जे या पी, है ना, फर्स्ट एलिमेंट किससे डिनोट कर रहे हो, इंडेक्स पी से, पी से. तो आई क्या है, फर्स्ट से जस्ट पहले है कि नहीं है? यस, पी, हाँ, पी माइनस आई होगा मैम. वाह, नहीं नहीं, पी माइनस वन होगा, वन होगा, वन, वन, सॉरी सॉरी, वन, 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 है ना. आई क्या होगा, वन, पी माइनस वन, पी माइनस वन. हम लोग देखे थे कि भाई पी अगर स्टार्ट इंडेक्स है तो स्टार्ट इंडेक्स को जो जे पॉइंट करेगा, और जे से पहले कौन रहेगा, आई. तो इसीलिए हम लोग क्या लिख लिए, आई बराबर पी माइनस वन, है ना. तो यहाँ पर आई आ गया, आ गया कि नहीं,
आ गया ना? यस मैम। अब जे कहाँ से शुरू हो रहा है बताना जरा? फॉर जे इक्वल जे कहाँ से शुरू हो रहा है? और ये कहाँ तक जाता है? R-1 देखो ये यहाँ तक गया था ना, सेवन से जस्ट पहले सेवन है R, सेवन से जस्ट पहले क्या है? R-1 जाएगा। और ये कोई लूप में डाल रहे हैं क्योंकि जो भी काम हम करने जा रहे हैं वो हर एरे के हर एक एलिमेंट के लिए होगा, है ना? 9 का कंपैरिजन 7 से होगा, 6 का कंपैरिजन भी 7 से होगा, 5 का कंपैरिजन भी 7 से होगा, 0 का भी होगा, होगा कि नहीं? इसी तरीके से 4 का भी कंपैरिजन 7 से होगा। तो इसीलिए तुम क्या किए कि एक लूप चला दिए, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फ्रॉम पी ठीक है। अब इसके अंदर तुम लोग क्या किए थे याद करो, क्या किए थे मैम? फिर लगाया फोर जे इक्वल टू फिर आई थिंक मैम कंपेयर किए थे ना? देखो अच्छा कंपेयर है ना, ये 9 को कंपेयर तुम किससे किए थे? 7 से। अच्छा ये 9 असल में क्या है? ये 9 किस एरे का आइटम है? ए एरे का। और ये ए के किस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है? जे को। देखो 9 को तुम क्या लिखोगे? जे। ए जे सिर्फ जे लिखोगे तब तो वो 0 हो जाएगा। 9 को किससे रिप्रेजेंट करोगे? AJ से। और ये कंपेयर किया था तुमने 7 से, कंपेयर किससे किया था? 7 से। तो AJ लेस देन क्या? 7 किसके पास है? 7 R के पास। R के पास है। नहीं नहीं R के पास है। किसके पास है? Q के पास। हाँ पार्टीशन एलिमेंट फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे? क्यू। ठीक है कि यहाँ तुमने क्या लिखा? इफ AJ लेस देन इक्वल टू क्यू। ठीक है कि भाई हम लोग क्या किए थे? पार्टीशन एलिमेंट, पहला एलिमेंट को एरे के आखिरी एलिमेंट को हमने पार्टीशन एलिमेंट मान लिया, और एरे के फर्स्ट एलिमेंट को J से पॉइंट करा दिया, और आई उसके जस्ट पहले है, और J एलिमेंट को पार्टीशन एलिमेंट से तुमने क्या किया? कंपैरिजन किया, है ना? 9 चेक कर रहे हो क्या? 9 7 से छोटा है, यही चेक किया है ना तुमने? यस। तो अब कहता है, अब इस चीज को हम लोग क्या लिखे? 9 का मतलब क्या हुआ? एरे ए, और ए का 9 किस पोजीशन पर है? जे पोजीशन पर। तो अब हम लोग लिखेंगे इफ AJ लेस देन किससे? क्यू। हाँ 7 मतलब क्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू है, हालांकि ये फॉल्स हो गया, 9 7 से छोटा नहीं है, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो यहाँ 5 होता और तब तुम चेक करते 5 लेस देन 7, तो तुम क्या करते? कंडीशन ट्रू होता तो आई को क्या कर रहे थे? ट्रू है। आई को क्या किए थे? आई को एक से बढ़ाए थे, और आई और जेथ एलिमेंट को क्या किए थे? स्वैप किए थे, है ना? अगर कंडीशन ट्रू है, एजे लेस देन इक्वल टू क्यू होगा, तो आई को क्या करोगे? आई प्लस प्लस, और स्वैप किसको किसको करोगे? AI को AJ को। हाँ बिल्कुल सही, AI with AJ, है ना? कि भाई जो AI मतलब ith पोजीशन पर एरे का जो एलिमेंट है, और AJ का मतलब jth पोजीशन पर एरे A का जो एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए। यस सर। क्या हो जाए?
और अगर कंडीशन फॉल्स हो गया जैसा कि यहाँ हो रहा है, ये तो तब होता जब कंडीशन ट्रू होता, लेकिन जरा देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, 9 less than 7 क्या हो गया, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो सिंपली क्या होगा, देखो ये को एक से बढ़ाओगे तो जब कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होना है, कुछ मत करो, लूप अपने आप क्या करता है, जे प्लस प्लस कर देता है। लूप का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक से वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, है ना। तो अगर अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, अब देखो समराइज कर रहे हैं बात, अगर कंडीशन तुम्हारा क्या हो गया फॉल्स, तो इफ में, हाँ इफ के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करो जे को बढ़ाते जाओ, सिंपली क्या करो जे को बढ़ाते जाएंगे, जे को बढ़ाते जाओ, और हर बार कंडीशन को क्या करो चेक करो कि aj less than equal to k हुआ कि नहीं। जैसे ही aj का वैल्यू q से क्या हो जाए, छोटा या बराबर, तो तुम क्या कर रहे थे, जैसे यहाँ देखो 6 7 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, सिक्स सेवन से छोटा हो गया, सिक्स सेवन से छोटा हो गया। तो जैसे ही ये कंडीशन जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, आई को तुमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब आई यहाँ आ गया और जे तो यही है, और फिर क्या किया तुमने, आई और जे के आइटम को क्या किया, है ना, यही किए थे ना, देखो इसमें पिछले दिन यही किए थे, यहाँ 6 हो गया था, यहाँ 9, और आई 6 को पॉइंट कर रहा था और जे 9 को पॉइंट कर रहा था, और पार्टीशन तो जैसे है वैसे ही रहेगा, सही बात है ना। तो ये जो अल्गोरिदम हमने लिखा, ये सही तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब एक समय ऐसा आएगा जब, हाँ एक समय ऐसा आएगा जब जे कहाँ पहुंच जाएगा पॉइंट करते हुए, यहाँ पर आओ, इस तरह से चलते चलते जे कहाँ आ जाएगा, जस्ट पार्टीशन से पहले, है ना, जस्ट पार्टीशन से मतलब पार्टीशन एलिमेंट से पहले। तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर रहे थे, आई जहाँ होता था उससे एक आगे बढ़ जाते थे, है ना, और आगे बढ़ के तुम क्या करते थे, जैसे यहाँ देखो आई अभी 4 है, तो अब यहाँ आई प्लस हो गया यहाँ पर 1, तो अब इस 9 को 7 से क्या किए, पार्टीशन एलिमेंट से इंटरचेंज कर दिए, क्या किए थे, स्वैप किए, स्वैप, हाँ स्वैप किए। तो देखो जब ये लूप खत्म होगा, ये लूप जब क्लोज होगा, तो अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं स्वैप, स्वैप ए आई प्लस 1 विथ ए आर, बिल्कुल सही, ए आर कौन है भाई, तो ए आर तुम्हारा पार्टीशन एलिमेंट है, पार्टीशन है ना, ए आर तुम्हारा पार्टीशन एलिमेंट है, और क्या रिटर्न करोगे, आई प्लस 1 मैम, ये आई प्लस 1 क्या हुआ, दिस आई प्लस 1 लिसन मी, दिस आई प्लस 1 गिव्स यू पोजीशन ऑफ पार्टीशन एलिमेंट, है ना, यहाँ तक आई था, अब यहाँ आई क्या हो गया, आई प्लस 1, तो यही आई प्लस 1 सुनो रिटर्न किया, हाँ यही आई प्लस 1 पार्टीशन रिटर्न किया, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टीशन फंक्शन रिटर्न कर रहा है पार्टीशन एलिमेंट के पोजीशन को, सही है कि नहीं, yes, ma'am. है ना, अगर यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दे तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5, ये क्या रिटर्न करेगा, 5, जोर से बोलो 5, है ना, कि 5 पोजीशन पर 7 रखा गया है, और 7 के लेफ्ट में जितना भी एलिमेंट है वो सबका सब क्या है, 7 से छोटा, और 7 के आगे जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब क्या हो गए, बड़ा। तो अब देखो फिर पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा, ये तो अभी इस एरे में सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट का पोजीशन मिला है, 7,
सेवन बिल्कुल सही पोजीशन पर आ गया है ना, सेवन क्या हो गया सही पोजीशन पर, एरे के सही पोजीशन पर है। तो यही पार्टीशन फंक्शन फिर से कॉल होगा है ना, यही पार्टीशन फंक्शन कब कैसे कॉल होगा, फिर से कॉल होगा क्यू से, होगा कि नहीं, सेम पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा और उसमें भी कौन सा एरे पास करोगे, एरे एरे ही पास करोगे, किसको पास करोगे, एरे। लेकिन अब की पार्टीशन कहां से कहां तक है, देखो जीरो टू जीरो से फोर तक, जीरो टू फोर बिल्कुल सही। अब ये देखो अगर तुम कह रहे हो कि हाँ अब मान लो पार्टीशन एलिमेंट पार्टीशन इंडेक्स को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये अगर जीरो से फोर तक, अब फोर फोर को जनरलाइज लिखना पड़ेगा ना बाबू, तो क्यू तुम्हारा अभी कौन सा किसको पॉइंट कर रहा है, फाइव को, यस। तो फोर तक के लिए तुमको क्या लिखना पड़ेगा, क्यू माइनस वन, अच्छा क्यू माइनस वन सही है। तो देखो ये पार्टीशन अब पी तो पास करेगा ही करेगा है ना, पी अभी भी क्या है तुम्हारा, पी क्या है तुम्हारा, जीरो जीरो है, पी तुम्हारा जीरो है और ये किसके लिए कॉल होगा, क्यू माइनस वन के लिए है ना, तभी ना जीरो टू फोर तक होगा। अब की बार ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस वन सही है ना, समझे तुम लोग कि नहीं, देखो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं सबको, मैम फोर कहाँ है, क्या फोर मैम फोर कहाँ है, फोर फोर है ना, देखो अगर तुम कह रहे हो कि Q में फाइव है तो Q माइनस वन जब तुम लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइव माइनस वन, अब फाइव माइनस वन क्या हो गया, फोर, जोर से बोलो ना, फोर 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 हो गया ना, हो गया ना, देखो P तो वही है अभी भी जीरो है, जीरो टू फोर हुआ कि नहीं, अरे ए ही गया लेकिन इस बार किसके किसके लिए गया, जीरो टू फोर तक पास हुआ, आया समझ की नहीं, yes, ma'am. सबको क्लियर हुआ, बोलो yes, ma'am. भाई बोल्डली बोलोगे तब ना यस मैम समझ में आया, नहीं तो फिर अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मन में सवाल है तो रखो, नो मैम ठीक है, no, तो ma'am. आगे बढ़ो, यस मैम बिल्कुल, यस मैम, अच्छा तो जीरो टू फोर हो गया। अब ये अच्छा है, और भी पार्टीशन कॉल करना पड़ेगा, ये सेकंड पार्टीशन होगा कि नहीं, यस मैम सेकंड पार्टीशन होगा, yes, तो ये सेकंड पार्टीशन को तुम क्या लिखोगे, ये किसके किसके लिए कॉल होगा, ए कॉमा, ये अब क्या, ये कहां तक जाएगा, देखो सिक्स और सिक्स कौन देगा, क्यू अगर फाइव है तो सिक्स को क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन मैम, क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन सही है, क्यू प्लस वन, यस यस मैम, और टिल सेवन, सेवन को कौन पॉइंट कर रहा है, आर आर ठीक है, सेवन को कौन पॉइंट कर रहा है, आर आर आर, अब आया समझ में तुम लोग को, यस मैम उसको, हाँ बोलो मैम, इसको जो आप क्यू माइनस वन किए हैं वो तो मतलब फोर फाइव माइनस फोर हुआ, क्यू प्लस वन हुआ तो मैम फाइव वन, फाइव प्लस वन हुआ मैम उसको, फाइव प्लस वन हुआ ना, क्यू प्लस वन लिखे तो फाइव प्लस वन तो वो सिक्स हो जाएगा है ना, अच्छा पार्टीशन तुमको, देखो अगला क्विक सॉर्ट किसके लिए कॉल होना चाहिए, अगला क्विक सॉर्ट कॉल होगा जीरो टू फोर और सिक्स टू सेवन के लिए, जी मैम है ना, जीरो टू फोर और सिक्स टू सेवन, और क्यू क्या है, फाइव, तो एक फाइव से पहले यानी क्यू माइनस वन और एक फाइव के बाद यानी क्यू प्लस वन, वन है ना, तो देखो इसमें जो क्विक सॉर्ट कॉल होगा वो बार बार कॉल होगा, तो अब एक बार क्विक सॉर्ट फंक्शन भी मैं लिख दूं क्या, पार्टीशन एल्गोरिदम समझ में आया सबको कि नहीं, आ गया आ गया,
यस मैम। हाँ थोड़ा लाउडली बोलते हो तो मैं समझती हूँ कि यस बच्चे समझ गए, कॉन्फिडेंट है, और ऐसे धीरे बोलते हो तो संदेह सा होता है। ए पी आर क्विक सॉर्ट में हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं? एरे, एरे का ए पी आर, एरे का एरे का स्टार्ट इंडेक्स, पी मतलब एरे का स्टार्ट इंडेक्स, और आर मतलब एरे का लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। अच्छा ये जो कॉलिंग है ये कब तक होगा? जब तक कि लास्ट इंडेक्स लेस देन किससे हो? आर से। फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स लेस देन एंड इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट, लास्ट इंडेक्स। तो अगर ऐसा है तो तुम क्या करोगे? क्यू पार्टीशन कॉल करोगे, कौन फंक्शन कॉल करोगे? पार्टीशन एपी। हाँ सही है, एपी आर को, है ना। पार्टीशन जो रिटर्न करेगा वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा सो किस में जाएगा? क्यू में, क्यू में। अब यही क्विक सॉर्ट फिर से कॉल होगा कि नहीं? सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगा कि नहीं? यस, इसमें क्यू माइनस वन हो जाएगा। हाँ ए क्यू माइनस, नहीं स्टार्ट इंडेक्स ए पी ए पी क्यू माइनस वन, ए पी क्यू माइनस वन। और फिर क्या होगा? एक और क्विक सॉर्ट कॉल होगा, ये क्या होगा? इसमें क्यू प्लस वन हो जाएगा। यस ए प्लस ए पी और क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन आर, और आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। सही बोल रहे हो, और क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। कोई डाउट किसी को? अब चलो थोड़ा सा और इटरेट करते हैं इसको तो और मजा आएगा ये समझने में। देखो अब जो एग्जांपल हमने लिया है उसके लिए क्विक सॉर्ट स्मॉल में क्यू एस लिखूं मैं? सहूलियत होगा मुझे लिखने में? यस जी मैम बिल्कुल। तो अब ए ए तो सब ने बार बार लिखना ही है तो क्यों लिखूं? चेंज जो हो रहा है पी आर बस उसको मैं लिख रही हूँ, है ना। तो पी अभी तुम्हारा क्या है? जीरो। जीरो, और टोटल आइटम कितना है? जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो ये किसके लिए कॉल होगा? शुरू में जीरो टू सेवन सेवन, ठीक है। अब पार्टीशन को शॉर्ट में पी लिखती हूँ मैं? यस मैम, है ना। अभी देखो पी क्या है? छोटा है किससे? आर से, सेवन से, सेवन से, है ना। कंडीशन चेक किया पी लेस देन आर, तो जीरो सच में आर से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या कॉल करोगे? पार्टीशन। पार्टीशन में क्या पास होगा? पी आर। पी आर मतलब पी आर जीरो सेवन, जीरो सेवन सेवन, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए 07 और क्विक सॉर्ट कॉल होगा। उसके बाद क्या कॉल होगा? क्विक सॉर्ट। लेकिन क्विक सॉर्ट कॉल होने से पहले पार्टीशन रिटर्न करेगा क्यू। इसी एग्जांपल के लिए पार्टीशन क्यू कितना रिटर्न कर रहा है बताओ? रिटर्न जीरो फोर मैम, जीरो फोर को रिटर्न कर रहा है। फाइव क्या है ये? क्यू क्या है? पार्टीशन एलिमेंट का पोजीशन, पार्टीशन एलिमेंट सेवन है और इसका पोजीशन क्या है? फाइव। और ये फाइव असल में क्या है? आई प्लस वन है। यस मैम, है ना। तो ये जो पार्टीशन है ये क्या रिटर्न करेगा? फाइव रिटर्न करेगा कि नहीं? क्यू माइनस वन करेगा ना? क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन। मैंने क्या पूछा कि पार्टीशन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो पार्टीशन फंक्शन तो सिंपली i प्लस वन रिटर्न करेगा ना बाबू? जो यस मैम, यस मैम, हाँ अपॉलॉजी, है ना। i प्लस वन करेगा। हाँ अब ये कॉल करेगा किसको? क्विक सॉर्ट को फिर से कॉल करेगा। लो देखो पार्टीशन रिटर्न किया ना फाइव, अब इस फाइव के लिए क्विक सॉर्ट कॉल होगा कहाँ से कहाँ तक? पी क्यू माइनस वन, सही बात है कि नहीं? तो यही तो मैम बता रहे थे। हाँ हाँ, तो ये अब ना बताओगे? अभी तो हम तुमसे ये वाला पूछ रहे थे ना कि ये क्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो पी क्या हो गया? ये यस मैम जीरो, और क्यू माइनस वन मतलब क्या? फोर, फाइव माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। उसी तरह क्विक सॉर्ट कॉल होगा क्या? क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन का मतलब क्या हो गया? सिक्स, सिक्स, फाइव, फाइव प्लस सिक्स, फाइव, फाइव,
अब देखो ये जो क्विक सॉर्ट फंक्शन बनाए हो ये सेम आर्गुमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो ये वाला जो p है इसके p में कॉपी हो जाएगा। फंक्शन कॉलिंग में यही पढ़े ना कि पहला आर्गुमेंट का वैल्यू पहले आर्गुमेंट में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में कॉपी होता है, यही पढ़े ना हम लोग। यस मैम। तो अब जो है ये असल में जो तुम यहाँ लिख रहे हो QS04, तो ये फंक्शन कॉल हो गया ना बाबू? यस मैम। अब जब ये फंक्शन कॉल हो गया तो फिर से ये कंडीशन चेक करेगा इफ पी लेस देन आर। यस मैम। यस मैम। अब देखो अभी भी क्या है तुम्हारा 0 4 से छोटा है कि नहीं? Yes. है। तो अब ये फंक्शन कॉल किसको करेगा? पार्टीशन पी को करेगा। पार्टीशन पी आर क्या है? पी yes. क्या है तुम्हारा 0 0 आर भी क्या है तुम्हारा 4। अब लेकिन four, इसके four, लिए four. तुमको क्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? एरे क्या था इसको लो और उसके लिए क्यू को फाइंड करोगे तब ना होगा। एरे तुम्हारा क्या था कर लेते हैं फटाफट हम लोग फाइंड आउट, है ना? एरे तुम्हारा क्या हो गया 6 5 0 2 4 यही है ना पार्टीशन एलिमेंट एरे, इसी को ना पास किए हो तुम लोग, है ना? यहाँ से यहाँ तक बोलो 6 5 0 2 4 जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 पार्टीशन ये बन गया। आई तुम्हारा अभी ये है और जे क्या है? अब देखो कंडीशन क्या है तुम्हारा 6 बड़ा है तुम्हारे 4 से, कोई बात नहीं। सिंपली क्या करोगे? जल्दी जल्दी बोलो सिंपली क्या करोगे? जे को पढ़ाओगे अभी भी 5 क्या है तुम्हारा 4 से बड़ा है, तो अब क्या करोगे? जे को फिर 0 पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे। अब की बार कंडीशन ट्रू हो गया। कंडीशन क्या हो गया तुम्हारा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया। कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या करोगे? आई को मैम बढ़ाएंगे। अब आई 6 को पॉइंट कर रहा है, जे किसको पॉइंट कर रहा है? 0 को। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ क्या हो जाएगा? पढ़ाएंगे। अभी भी जे